खबर बरेली की, बरेली से बीटीवी बरेली की आवाज। सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जानना चाहूंगा जीत जो प्रचंड बहुमत से हुई है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो जीत है ये पूरे देशवासियों की जीत है, क्योंकि पूरे देश के लोग जानते हैं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काम किए हैं, ऐसे काम लोगों ने सपने में सोचे थे। एक एक अंत तक पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके घर में भी शौचालय का निर्माण, जो विपक्ष मजाक उड़ाता था उसका, कि आप बताइए आज़ादी के 70 सालों बाद भी शौचालय के निर्माण हो रहे हैं। अरे भाई, किसी ने शौचालयों के बारे में सोचा ही नहीं। तो उन गरीबों के यहाँ शौचालयों का निर्माण, उसके अलावा उनके घर में गैस, हर घर में बिजली, जो गांव आज भी 70 साल में तरस रहे थे कि हमारे यहाँ बिजली होगी, उन लोगों के यहाँ बिजली, आयुष्मान कार्ड। गरीब, आप सब जानते होंगे कि गरीब इलाज कराने के बहाने बुजुर्ग ये कह देते थे कि भैया आप कोई बात नहीं, भगवान भरोसे हैं। ऐसे लोगों को भी सम्मान देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो ये जनता समझ चुकी है, जनता जानती है कि क्या काम हुआ है, इसी आधार पर जनता ने वोट दिया है। और मुझे लगता है कि अब आने वाले 50 साल भारतीय जनता पार्टी के हैं, और हर साल प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में आएगी। सर, आने वाले 5 साल में मोदी जी की सरकार से क्या उम्मीदें रहेंगी? देखिए, अभी बहुत सारे काम हैं, जैसे आयुष्मान योजना है, उसी के अभी बहुत सारे लाभार्थी नए बनने हैं। अब नया जो एजेंडा है, ख़ास तौर से कश्मीर में जो धारा 370 हटनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी नया भारत उदय जो है वो हिंदुस्तान के लोग देखेंगे, भारत के लोग देखेंगे, उनको समझ में आएगा कि वाकई अब हिंदुस्तान कितनी रफ्तार से विकास के लिए और गरीबों के, हर गरीब का स्तर उठाने के लिए, उनका स्तर एक मध्यम वर्गीय बनाने के लिए, मध्यम वर्गियों को और स्वावलंबी बनाने के लिए देश की सरकार काम करेगी। प्रचंड बहुमत से जो जीत हुई है जी सरकार की, तो राहुल गांधी को क्या अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए इसको देख के? देखिए, ये उनका विषय है कि वो इस्तीफा दें, उन्होंने शायद इस्तीफे की पेशकश की है, ऐसा मैंने मीडिया में पढ़ा। लेकिन ये उनका विषय है कि उनकी पार्टी का निर्णय है कि वो क्या करें या क्या नहीं करें। पर हमारा जो जनता ने जो जनादेश दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों का काम है कि उस जनादेश के आधार पर जनता का सम्मान करते हुए उनके लिए काम करें।